हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपके लिए पवन और अरुणता से जुड़ी खबरें लेकर आ गई हूं। लेकिन उसके पहले हैप्पी न्यू ईयर। चाहती हूं कि आप सभी का ये साल बहुत खूबसूरत बीते, आप स्वस्थ रहें, आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी बहुत सुंदर समय देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, बड़ी खूबसूरत न्यूज के साथ कर रही हूं कि पवन अरुणिता अभी हाल फिलहाल क्या करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर उन्होंने अभी हाल ही में गोवा में बोला है सभी लोगों को, और वो है ना कश्ती में बोला है, क्रूज पे लोगों को परफॉर्मेंस था और बहुत हिट रहा है, ऐसा मुझे सुनने में भी आया है। सो हैप्पी न्यू ईयर वहां हुआ है इनका। अब ये सारे लोग कहाँ हैं, उसी की डिटेल्स अभी तक की जो अपडेट्स है वो आपको देने के लिए आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, गोवा में परफॉर्मेंस हुआ, सुबह ये लोग निकले हैं मुंबई के लिए। मुंबई से जो नेक्स्ट फ्लाइट होगी वो होगी जबलपुर के लिए, और जबलपुर से कुछ 150 किलोमीटर दूर पर ये लोग कटनी के पास पहुंचने वाले हैं। एग्जैक्टली कटनी जगह नहीं है, पास में ही एक फार्म हाउस है, वहां पर ये प्राइवेट पार्टी में परफॉर्म करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम कि एक के बाद एक इनका नए साल में भी ये फुर्सत का समय नहीं है इनके पास। गाने की याद आ गई मुझको तो। एनीवेज, सो बात कुछ यूं है कि फ्रेंड्स, ये जो इवेंट है ये बेसिकली एक प्राइवेट इवेंट है। कटनी के एक जाने माने शख्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उन शख्स को पसंद आएगा या नहीं आएगा। सो जिनकी ये इवेंट है, ये हर साल कुछ 5 दिन की ऐसे ही इवेंट रखते हैं जहाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली को इन्वाइट किया जाता है, और इन 5 दिनों में बहुत सारे बैंड्स भी आते हैं, नामी गिरामी स्टार्स भी आते हैं। लास्ट ईयर की जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लास्ट ईयर कपिल शर्मा आए थे और उन्होंने इन 5 दिनों में से एक दिन नए साल के लिए परफॉर्म किया था इस इवेंट के लिए, और इस बार पवन अरुणिता आए हैं। तो ये जैसे ही जबलपुर पहुंचेंगे, जबलपुर के बाद सुनने में ये भी आया है कि शायद हो सकता है एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उस लोकेशन पर ले जाया जाए। हालांकि मेरे पास ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। सो ये वहां पर पहुंचने वाले हैं पवन अरुणिता और षणमुखप्रिया, इनके परफॉर्मेंस होने वाले हैं। रिक्वेस्ट तो ये भी किया गया है कि फर्स्ट का परफॉर्मेंस है तो क्यों ना सेकेंड को भी इन्हीं तीनों सितारों को रखा जाए। हालांकि इस बात पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये सेकंड को भी वही परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ और इनका प्रोग्राम है, बट रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी किया जा चुका है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि चूंकि पवन अरुणिता आ रहे हैं और ये स्ट्रिक्टली इनवाइटीज का शो होता है, इसलिए इनविटेशन भी लोग इच्छा है कि उन्हें भी मिल जाए इन्विटेशन और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। और बहुत सारे लोग स्पेशली अपने शेड्यूल को चेंज कर रहे हैं ताकि ये पहुंच सके और पवन अरुणिता को लाइव सुन सके, एकदम आंखों के सामने देख सुन सके। अब इस बीच जो इसराइल में भी एक इवेंट है उसकी डिटेल्स भी मैं दे देती हूँ आपको। जो दानिश हैं वो आज जा रहे हैं इसराइल के लिए, 2 से 7 तारीख के बीच इनके कई शोज हो सकते हैं। अब इसराइल में इनके साथ आशीष भी होंगे, इसराइल में इनके साथ सवई भी होंगे, और दानिश के साथ 2 दिनों बाद षणमुखप्रिया भी ज्वाइन कर रही है। अब इस दौरान मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि पवन और अरुणिता कब ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ही वो अपडेट आता है मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगी। यानी आशीष, दानिश, षणमुखप्रिया, सवई और साइली, ये सभी इसराइल में परफॉर्म करने वाले हैं। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हैप्पी वाला न्यू ईयर टू यू, टू योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। और अब मुझे बताइए ये पूरी इंफॉर्मेशन पे आपका क्या कहना है, लिखकर बताइए। जय हिंद।